नमस्कार दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2019-20। बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए अच्छी खबर यहाँ पर आ चुकी है। आपके ऑफिशियली एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ पे जारी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर 1,40,000 पदों पर आपकी रेलवे के द्वारा एक बड़ा रिक्रूटमेंट करवाया जाना था और लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा था कि आखिर कब तक एनटीपीसी और ग्रुप सी, जो आपका ग्रुप डी है, उस रेलवे की आरआरसी रेलवे की यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेंटर की जो वैकेंसी थी, जिसमें काफी ज्यादा पदों पर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला था। लगभग दोनों को मिलाकर बात करें तो 1,40,000 पदों पर ये आपका बड़ा रिक्रूटमेंट होने जा रहा था। इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई किया एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो जल्दी से दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, हम ऑफिशियली साइट पे आ चुके हैं रेलवे की। बिल्कुल दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर की ऑफिशियली साइट पे यहां पर आ चुके हैं और यहीं पे मैं बता देता हूं, यहां पर एक नोटिस जारी हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो CN 3/2019। बिल्कुल दोस्तों, CN 3/2019 नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल शिफ्ट वाइज टाइम टेबल, और ये आपका जारी हो चुका है। यहां पर आप देखते हो, क्लिक हियर टू व्यूइंग सिटी शिफ्ट डेट इंटीमेशन मॉक टेस्ट एंड ट्रेवलर पास ऑफ SC/ST कैंडिडेट। तो अब लगातार इंतजार है वो आपका खत्म हो चुका। कैसे आपको चेक करना है ये भी मैं साथ में आपको बता देता हूं। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी 1,40,000 पदों वाली भर्ती के एडमिट कार्ड आखिर जारी कर दिए। यहां पर जैसे क्लिक करोगे, एक नोटिस आपके सामने ओपन होकर आएगा। उसमें आपको क्या क्या चीजें रेलवे की तरफ से मेंशन की गई वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी एग्जाम शेड्यूल 4 CBT का शेड्यूल जारी हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हो, दो शिफ्ट में आपका पेपर होगा और पेपर 15 दिसंबर से आपका शुरू हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, लगातार 4 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा, उसके बाद कुछ दिन आपका ऑफ रहेगा, फिर आपका एग्जाम चलेगा। यहां पर आप देख सकते हो, पहले शिफ्ट में आपका पेपर होगा वो 9 बजे होगा, या रिपोर्टिंग टाइम आपकी 9 बजे है, जबकि गेट क्लोजर आपका 10 बजे हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट आपका 10:30 बजे होगा, और शिफ्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम आपका 1:30 है, जबकि गेट आपका क्लोज है वो 2:30 पे हो जाएगा। एग्जाम आपका 3 बजे शुरू होगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आपको 90 मिनट दी जाने वाली है CBT में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, 15/12/2020 को आपका पेपर होगा वो शिफ्ट फर्स्ट में और शिफ्ट सेकंड में। यहाँ पर जूनियर, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, इन सब का यहाँ पर पेपर होगा। अलग अलग आपकी डेट दे रखी है। जल्दी से दोस्तों आप भी इस नोटिस को देख सकते हो। मैं आपको इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके भी आप पूरी डिटेल सीधे देख सकते हो। दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर दे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।